आप लोग जो आए दिन सोशल मीडिया में ये मीम्स देखते हो, इनमें से बहुत सारे मीम्स कॉपी किए गए हैं, या कह सकते हो कि इन्हें रिक्रिएट करने के बाद ही वायरल हुए हैं। एंड आप लोग ये जानते भी नहीं थे। और आप लोग जो आयरन मैन एंड जेठालाल जैसे कैरेक्टर्स देखते हैं, इनके रोल के लिए कितने सारे एक्टर्स ने रिजेक्ट किया था, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कैसे आप एक आदमी से रोज मार खाकर उसे पैसे दे रहे हो और आपको इस बात की भनक तक नहीं, कैसे एक सेब आपकी पूरी लाइफ को एकदम बदल के रख सकती है। एंड ये जानकर आप लोग भी हर रोज एक सेब खाने वाले हो। एंड इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, इसका एक एक पार्ट बहुत ही मजेदार होने वाला है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना। नंबर 10, दोस्तों रात होते ही हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कि कुछ ऐसी होती है। जी हाँ, ये जो आवाज है वो क्रिकेट करते हैं। पर क्या आप लोगों को पता है कि ये आवाज आती कैसे है? आज फाइनली इसे देख लो। ये जो क्रिकेट नाम के कीड़े होते हैं, ये अपने पंख को रगड़ते हैं और इसी की वजह से ये आवाज जनरेट होती है। ये पंख उनके एक्सोस्केलेटन पर लगे होते हैं जिसकी वजह से ये आवाज निकलती है। और ये ऐसे कई सारे रीजंस की वजह से करते हैं। अक्सर ये कीड़े मीटिंग सीजन पर ये साउंड ज्यादा निकालते हैं ताकि ये फीमेल क्रिकेट को अट्रैक्ट कर पाए। नंबर 9, क्या आप लोगों को पता है कि जो अभी आप एंड्रॉइड का फोन चला रहे, वो एंड्रॉइड सिस्टम फोन के लिए नहीं बना था। इस एंड्रॉइड सिस्टम को DSLR कैमरे के लिए बनाया गया था या फिर ऐसे ही टाइप के कैमरास के लिए कोड किया गया था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से ये सिस्टम एक कैमरे की बजाय एक फोन में ज्यादा अच्छे से काम करने लगा। एंड इसीलिए ही इस सिस्टम को फोन में ही डाल दिया गया या फिर इससे इंस्पायर्ड ही कोई दूसरे OS पर। नंबर 8, सुबह उठकर आप में से ज्यादातर लोगों को चाय या फिर कॉफी ही चाहिए होती है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है एक एप्पल आप लोगों को उठाने के लिए कॉफी से भी ज्यादा असरदार होती है। यानी कि सुबह उठकर आप लोगों को एक एप्पल खा लेना है तो आप लोग पूरे दिन तक एकदम से फ्रेश रह पाओगे और आप लोगों को कॉफी की भी जरूरत नहीं होगी। एंड ऐसे आप लोग कैफीन एडिक्शन से भी बच सकते हो। नंबर 7, एक फार्ट की वजह से 10,000 लोगों की जान चली गई। रोम में एक सोल्जर था और उसने गलती से ही एक फार्ट कर दिया, जिस वजह से एक झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन इस झगड़े की एग्जैक्ट वजह तो मुझे पता नहीं, बट ऐसे ही शुरू हुआ था कि ये काम मैंने नहीं किया है। और ऐसे ही ये झगड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और इस झगड़े में करीबन 10,000 लोगों की मौत हो गई। लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये एक प्लान पॉलिटिकल झगड़ा था। वैसे मुझे भी यही लगता है, वरना एक फार्ट की वजह से कौन ही एक दूसरे को मारेगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर से बताना। नंबर 6, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप एक पर्सन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो बस ये देखकर वो किन किन चीजों पर हंसता है, पर ये हर बार एक्यूरेट नहीं होता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हर बात को मजाक मस्ती एक ह्यूमर की तरह लेते हैं और चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन वही लोग बहुत ही अच्छे भी होते हैं। नंबर 5, एंशिएंट ग्रीक जो लैंग्वेज है उसे रीड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि इस लैंग्वेज में स्पेस होता ही नहीं है, यानी वर्ड के बीच में ये लोग गैप रखते ही नहीं है। इसलिए इस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आप लोगों को काफी अच्छी खासी नॉलेज की जरूरत होगी। अगर आपने एक भी सेंटेंस का वर्ड गलत प्रोनाउंस किया तो आप लोगों को पूरा सेंटेंस ही समझ में ही नहीं आएगा, यानी कि पढ़ने से ज्यादा आप लोग इसे डिकोड कर रहे हैं। नंबर 4, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि चार्जिंग से पहले आप लोगों को अपना बैक कवर खोल के ही चार्ज करना चाहिए ताकि चार्जिंग जल्दी हो, और इसी के साथ अपने फोन को सिर्फ 90% या 80% तक ही चार्ज करना चाहिए और आपकी फोन की स्पीड बढ़ जाएगी और ये जल्दी चार्ज होगा। लेकिन मैं ये बात आप लोगों को बता देता हूँ कि ये एक बस मिथ है। अगर ये बात सच होती तो फोन के कंपनी हमको 100% चार्ज करने का ऑप्शन ही नहीं देती। लेकिन अगर आप अपने फोन को एक दिन में बहुत बार चार्ज करते हो तो वो खराब भी हो सकता है। एंड आपका फोन का कवर लगा हुआ है कि नहीं, इससे आपके चार्जिंग स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उल्टा आप अपने फोन को ज्यादा अनसेफ कर रहे हो कवर ना लगा के, और ये गिर के टूट भी सकता है। नंबर 3, कई बार एक्टर्स कुछ रोल को रिजेक्ट भी कर देते हैं, लेकिन कई बार वही रोल इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि उन्हें रिग्रेट होने लगता है। जैसे जेठालाल के रोल को करने के लिए 3 से भी ज्यादा कॉमेडियंस को ऑफर किया गया था, जैसे कि राजपाल यादव। इन्हें टेलीविजन में काम नहीं करना था इसीलिए इन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया, उन्हें लगा कि ये रोल इतना बड़ा नहीं होगा। इसी के साथ कीकू शारदा और अली असगर जैसे मशहूर कॉमेडियंस ने भी इस रोल को मना कर दिया था क्योंकि उन्हें इसमें ज्यादा डीप नहीं दिखाई दी या फिर उनके पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि वो लोग ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। और इसके साथ ही योगेश त्रिपाठी ने भी इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद ये रोल दिलीप जोशी के हाथ लगा और उन्होंने इस रोल को एवरग्रीन बना दिया। ऐसा मूवीज में भी कई बार होता है, जैसे रणवीर कपूर एंड शाहरुख खान जैसे एक्टर्स को 3 इडियट में काम मिल रहा था और वो भी रेंचो के रोल पर, लेकिन उन्होंने इस रोल को मना कर दिया और उसके बाद ये रोल मिला आमिर खान को। और ये मूवी कितना पॉपुलर है ये तो आप लोग को पता ही होगा। बिल्कुल इसी तरह ऐश्वर्या राय को भी भूल भुलैया मूवी पर कास्ट किया जाने वाला।
आया था और वो भी विद्या बालन के रोल पर, लेकिन उन्होंने भी इस रोल को मना कर दिया और विद्या बालन ने भी अपने परफॉर्मेंस के दम पर इस रोल को एवरग्रीन बना दिया था। लेकिन सिर्फ इंडिया में भी नहीं, ऐसा फॉरेन के एक्टर्स के साथ भी होता है। जैसे विल स्मिथ को मैट्रिक्स मूवी में नियो का रोल मिल रहा था पर उन्होंने मना कर दिया और तभी केनू रीव्स ने इस रोल को लिया और ये मूवी हॉलीवुड की ऑल टाइम फेवरेट्स में से एक है। और आयरन मैन रोल को आरजीजी ने एकदम धमाल मचा दिया और ये पहले टॉम क्रूज को मिलने वाला था पर उन्होंने इसे मना कर दिया। पर मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने इस रोल को मना करके सही ही किया होगा, क्योंकि जितनी हाइप इसकी आरजीजी ने क्रिएट की है शायद ये कोई और एक्टर कर पाता। और अब तो वो डॉक्टर डूम बन के मार्वल में रिटर्न भी आ रहे हैं। नंबर टू, कई सारे ऐसे ओरिजिनल मीम है जो कि इतना पॉपुलर नहीं है लेकिन इनको रिक्रिएट करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गए। जैसे कि पैट्रिक पैटमैन का सिग्मा वाला फेस जो कि इतना पॉपुलर नहीं था पर कजाकिस्तान के एक कंटेंट क्रिएटर ने उसे रिक्रिएट किया, जिसके बाद ये मीम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया और सिग्मा वाला एक अलग ही ट्रेंड शुरू हो गया। और अब जरा तुम लोग ये मीम देखो। ये वीडियो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बाद का था। इसे देखने के बाद आप लोगों को पहले ट्रिगर इंसान का फेस याद आया होगा। ये मीम स्टार्टिंग में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था लेकिन फिर जब इस मीम को ट्रिगर इंसान ने अपने वीडियो में लगाना शुरू किया तो ये मीम वायरल हो गया। अब ये रिसेंटली वायरल हुआ छोटा भीम का चीन टपा के दमदम मीम आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन भाई इसकी तो और भी ज्यादा फनी हिस्ट्री है। 1960 में छोटी सी बात नाम की एक बॉलीवुड मूवी आई जिसके गाने में लिरिक्स मैच करने के लिए एक लाइन बोला गया था जो कि ये था, चीन टपाक डम डम। इस सेंटेंस का कुछ खास मीनिंग नहीं है, ये बस गाने में राइम करने के लिए ही यूज किया गया था। लेकिन इसके बाद इसे एक छोटा भीम के एपिसोड के चोर के लाइन में ऐड किया गया जो अब के टाइम में बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। नंबर वन, आप लोगों ने ड्रैगन फ्लाई कई बार देखे होंगे और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि वो बहुत ही छोटे होते हैं और इससे हमें डर भी नहीं लगता है। लेकिन इसी ड्रैगन फ्लाई को अगर आप लोग 300 मिलियन साल पहले देखोगे तो ये आप लोग किसी बुरे सपने से कम नहीं लगेगा। इसे देखो, 300 मिलियन साल पहले कुछ इतना बड़ा ड्रैगन फ्लाई एग्जिस्ट करता था। ये बहुत ही ज्यादा बड़े थे आज के नॉर्मल ड्रैगन फ्लाई के मुकाबले, शायद ही इसीलिए इसको ड्रैगन फ्लाई नाम दिया गया। तो यारो, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।